जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को लेकर अभी भी बयानबाजी हो ही रही है और इसी पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। फरीदाबाद में बोलते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कही है कि गठबंधन तोड़ने का अधिकार अमित शाह को है, देश के गृह मंत्री को है। इसके पीछे का कारण ये उन्होंने बताया कि दुष्यंत चौटाला और अमित शाह के बीच ही बातचीत हुई थी गठबंधन को लेकर और इस गठबंधन को तोड़ने का अधिकार अमित शाह को है, चुनाव के वक्त सब बातें तय होंगी। ये भी उन्होंने कहा, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय चौटाला, रैलियों की तैयारियों में जुटी है जेजेपी और इसी दौरान जब कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो अजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। गठबंधन को लेकर बीजेपी और जेजेपी के नेता कई बातें कह चुके हैं, बीजेपी के नेताओं की ओर से भी बातों ही बातों में कई बातें कही जाती है। वीरेंद्र सिंह तो हाथ धोकर जेजेपी के पीछे पड़े हैं और नसीहत दे रहे हैं बीजेपी को कि गठबंधन तोड़ दिया जाए। बिप्लब देव बीजेपी के हरियाणा प्रभारी हैं, वो भी कई बार बातें कह चुके हैं गठबंधन को लेकर, सीधा सीधा तो नहीं लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने कई बातें ये भी कही थी निर्दलियों से मिलकर भी कि गठबंधन कोई एहसान नहीं होता, इस तरह की बातें पहले भी की जा चुकी हैं। लेकिन अब अजय चौटाला का जो बयान सामने आया, पहले भी हालांकि कह चुके हैं लेकिन फिर से क्या कुछ कहा एक बार आपको सुनवा देते हैं। दुष्यंत चौटाला और अमित शाह जी के बीच में हुआ है। अच्छा, और तोड़ने का अधिकार अगर किसी को है तो वो अमित शाह जी को है, मैं इस बात को पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ। अगर गठबंधन बना रहेगा तो जेजेपी कितने सीटों की मांग करेगी लोकसभा में बीजेपी से? चुनाव जब डिक्लेयर होंगे जी तब हम बैठ कर तय करेंगे जी, आपसी सहमति से तय होता है। अगर बात नहीं बनती है तो 10-10 पे चुनाव लड़ेगी जेजेपी या वही रूपरेखा तैयार की जा रही है अभी? यही कह रहा हूँ, वो तो चुनाव के वक्त तय होती है ये बातें, पहले थोड़ा ही आज ही आपको मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। चौटाला साहब क्या माने कि जिस तरीके की रैली 30 तारीख को होगी लोकसभा, तो क्या जेजेपी पार्टी पूरी तैयारी में है कि अगर जो 2024 का लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ना पड़ा तो तैयारी है? हम अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में यही बात डिसाइड करने के लिए आज मीटिंग है, इस बात पर प्रयासरत है।